इसी तरीके से आज महारंग बलोच ये कहती हैं कि हमारा गला दबाया जा रहा है, और अगर हमारा गला दबाया जा रहा है तो हम हाथ पांव तो मारेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे कौम परस्त जमातें जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक लंबी जद्दोजहद की कि कौमी धारे में बलूचिस्तान के मसाइल का हल ढूंढें, ना कि सिर्फ उन्होंने बल्कि उनके बड़ों ने भी उससे पहले ये जद्दोजहद की। आज वो ये कहने पर मजबूर हैं कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है जो हमें रोकती है, तो दूसरी तरफ अलैहदगी पसंद कहते हैं कि तुम क्यों कौमी धारे के अंदर शामिल होना चाहते हैं। आज वो कहाँ खड़े हैं, आज क्यों उनके लिए ज़मीन तंग हो गई है। हमारे पास कुछ ऐसे लीडरान हैं बलूचिस्तान से जिन्होंने बकायदा तौर बलूचिस्तान के मामलात को हल करने की कोशिश की, 18वीं तरमीम में हिस्सा लिया, अलैहदगी पसंद बलोचों से बात करने की कोशिश की, नेशनल कंसेंसस बनाने की कोशिश की, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लापता अफराद पर एहतजाज किया। मैं आपका तारुफ कराती हूँ जनाब अब्दुल मालिक बलोच से, जो साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान रह चुके हैं, बहुत बार वज़ीर भी रह चुके हैं, तुर्बत से इनका ताल्लुक है, नेशनल पार्टी के सदर हैं, और नाराज़ बलोच से मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कोशिश की 2014-2015 में। 18वीं तरमीम में उनका एक अहम रोल है चूँकि उस पार्लिमानी कमेटी का वो हिस्सा था। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब, जो चेयरमैन हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इमरान खान की हकूमत के इत्तेहादी हैं और PDM के इत्तेहादी रहे हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं बलूचिस्तान के 1997 से 1998 तक, और पार्लियामान के अंदर जो इन्होंने अपने नुकात प्रेजेंट किए बाकी कौमी जमातों को, नेशनल पार्टीज़ को, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि लापता अफराद का मसला हल होना चाहिए। उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं सईदुल खान नासर साहब, बहुत शुक्रिया नासर साहब कि आपने भी हमें ज्वाइन किया है, होप मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। आप डेप्यूटी चेयरमैन हैं ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, और आज आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ होंगे कुछ ही मिनटों के अंदर खुशाल खान काकड़, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह हैं, उस्मान खान काकड़ के बेटे हैं, ये वो शोला बयान सेनेटर हैं जिन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की हक़ खुदरादियत के बारे में बात की, उनको भी हम जल्दी खैर मकसद कहते हैं। अब जनाब मालिक बलोच से मेरा ये पहला सवाल होगा कि मालिक बलोच साहब, क्या आज आपको अपने लिए ज़मीन तंग नज़र आ रही है बलूचिस्तान में? और आपने ये कहा 2014 में 2015 में आपने मुज़ाकरात की कोशिश की नाराज़ बलोच के साथ, आज फिर कहा जा रहा है, एक कमेटी भी बना दी गई है हुकूमत की तरफ से कि नाराज़ बलोच के साथ मुज़ाकरात करें, आपका इस कमेटी के बारे में क्या ख्याल है, और क्या जो अब मामला तय करने के लिए एक आगाज़ हुआ है, क्या आप उसे मुतमईन हैं? शुक्रिया जी, मैं आपका मशहूर हूँ, आपके तमाम कोलीग्स का, कि आप लोगों ने पाकिस्तान के दानिशवरों को, स्टूडेंट्स को, ख्वातीन को इतना बड़ा फोरम दिया है कि वो इंडिपेंडेंट अपनी राय रख रहे हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये फोरम को आप कंटिन्यू करेंगे। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ बीइंग ए डेमोक्रेट्स पाकिस्तान के मसले को समझने के लिए मेरे नज़दीक जो इस्लामाबाद में एक माइंड सेट है जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे वो जुडिशरी और मीडिया के हों, वो बलूचिस्तान के मसले को बिल्कुल सतही तौर पर देख रहे हैं।
मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के मसले के दो पहलू हैं, एक सियासी है एक माशी है, जो आपस में जुड़े हुए हैं। सियासी पहलुओं में सबसे पहला मसला यह है कि बलूचिस्तान के अवाम है वहाँ पे उसको अपनी राय का हक नहीं है, हम अपनी आज़ादाना राय नहीं दे सकते हैं, यानी हमें वोट का हक नहीं मिला है अभी तक आज़ादाना। दूसरी बात जो पाकिस्तान की मजमूई मसला है वो हमारी कौमी तशख्खुस है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक मल्टी नेशनल स्टेट है जहाँ पे पख्तून, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, बलोच रहते हैं, उनको ये हक है कि अपनी मादरी जुबानों में, कौमी जुबानों में बोलें और उनके तमाम वसाइल उन पे खर्च हों। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद को हमारे वसाइल तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हमारी अवाम उसको अच्छा नहीं लगता है, बदकिस्मती है। हमें आज भी वोट का हक नहीं है। वहाँ पे कुछ हमारे एलीट्स हैं, कभी 2002 में वो मुस्लिम लीग काफ में थे, 2008 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, 2013 में मुस्लिम लीग, 2018 में वो बाप पार्टी में, और 2024 में उनको तकसीम किया कुछ पीपल्स पार्टी में कुछ मुस्लिम लीग में। और हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हमारी बड़ी पार्टियां कंप्रोमाइज्ड हैं, वो हकायक को तस्लीम नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं। हालांकि पीडीएम में हमने बैठ के हमने एक ऐसी चार्टर बनाई कि हमने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बदकिस्मती से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। बलूचिस्तान को पॉलिटिकल बजाय स्ट्रेटजिकली देखा जाता है, इस वक्त बलूचिस्तान के 17 सीटों को देखा जाता है, इसको नहीं देखते हैं कि बलूचिस्तान आप कहता है कि रोकोडेक पाकिस्तान के तमाम कर्जों को वो उसको चुका सकता है, लेकिन संदक के साथ क्या हुआ, सुई के साथ क्या हुआ, अभी तक न डेरा बुकटी में पानी है न वहां पे दालबंदी में पानी है। तो मैं समझता हूं कि इसको मैं मुख्तसर करूंगा कि बलूचिस्तान के अवाम को, बल्कि मैं तो कहता हूं इस इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम को भी वोट का हक नहीं था। जब तक बलूचिस्तान के अवाम के सही नुमाइंदे पार्लियामेंट में नहीं आएंगे उस वक्त बलूचिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। रहा ये बात कि मिलिटेंट्स के साथ नेगोशिएशंस की, तो मैं समझता हूं कि बातचीत उस वक्त हमने शुरू की जब पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क्यादत ने मुझे एज ए चीफ मिनिस्टर मैंडेट दी। मैं गया वहां पे, वहां मुजाकरात की, 60-70% हम इत्तेफाक कर गए चीज़ों को कामयाबी की तरह। लेकिन बदकिस्मती से जब हम वापस आ गए तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने, जो मैंने महसूस की कि उसको राजी नहीं है, हालांकि भेजा भी मुझे खुद, और मैं आज भी समझता हूँ जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होगी, लापता अफराद का मसला नहीं होगा, वहाँ के नौजवानों को आप रोजगार नहीं देंगे, आप ये जो मार कुटाई है इसको ख़त्म नहीं करेंगे, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकती। मुझे खुशी होगी कि अगर मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, अस्करी क़यादत हो, कि बलूचिस्तान में मुज़ाकरात करें, जो रोज़ाना हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, ताकि इस मसले का एक मुनसिफाना हल निकले। और मैं यही समझता हूँ कि चूँकि मेरी अपनी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, अदम तशद्दुद का पैरोकार है, लिहाजा हम समझते हैं कि तमाम मसले सियासी अंदाज पे हल हो। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब वाले बलोच साहब।
अख्तर मैंगल साहब, मेरा ख्याल है ये सवाल तो मैं आपसे भी कर सकती हूँ, मगर हमने अभी बलूचिस्तान में जो इलेक्शन देखे हैं उसके बारे में भी आपसे पूछना चाहते हैं। और क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं कौम परस्त जमातें जो हैं वो पार्लियामान के अंदर और प्रोविंशियल असेंबली के अंदर आ सकती हैं? आप लोगों को क्या चैलेंजेस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे यहाँ पे बुला दिया क्योंकि उन फूलों के दरमियान एक कांटा बहुत बदनुमा दिख रहा था। मैं सबसे पहले असमा जहांगीर